हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एक डोरमेट लेकर आई हूँ। इसको मैंने पुरानी साड़ी से बनाया है, और ना ही मैंने क्रोशिया से बनाया है और ना ही मैंने इसको सिलाइयों से बनाया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। अभी लॉकडाउन है तो आप पुरानी साड़ी से इसको ज़रूर बनाएं, और बहुत अच्छा लगता है बनाने के बाद। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी जरूर प्रेस करें, और मेरे नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक हमने पुरानी साड़ी ले रखी है और एक सेफ्टी पिन लेनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साड़ी को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो जब आप कटिंग करें तो उसको एक बराबर कटिंग करें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो कटिंग करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए कटिंग हो चुकी है। अब सबसे पहले तो हम एक नॉट बनाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से नॉट बनाएंगे, स्टार्टिंग में ही एक नॉट बना लेंगे। इस तरीके से एक नॉट बना लेंगे। अब देखिए जो लॉन्ग वाला पोर्शन है उसको हम पहले तो हम इस नॉट को इस तरीके से करेंगे। अब जो लॉन्ग वाला पोर्शन है इसको हम इसके अंदर डालेंगे, और देखिए इसको हम इसके अंदर डालकर चेन बनाएंगे। देखिए इसको इस तरीके से इसमें डालेंगे इसके अंदर, और इसको इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, तो एक चेन बन गई हमारे पास। फिर इसी तरीके से हम एक बार और चेन बनाएंगे, इसके अंदर डालेंगे। देखिए इसको खींच लेंगे तो दो चेन बन गई। देखिए फिर से हम वही रिपीट करेंगे, फिर से हम इसके अंदर डालेंगे देखिए, और फिर से इसको खींचेंगे, तीन चेन बन गई हमारे पास। इसी तरीके से हम चैन बनाएंगे, इसमें डालते जाएंगे, सिंपल है। इसी तरीके से हम चैन बनाएंगे। तो आप चौड़ाई के हिसाब से बनाएं चैन, जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है उतनी चैन बना ले। तो मैं कुछ चैन बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। कि हमने पूरी चेन बना ली है इस तरीके से। तो आप चौड़ाई के हिसाब से चेन बना ली, जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है। ठीक है, लंबाई अब हम बनाएंगे। तो लंबाई बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम नॉट लगाकर इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पर हम जो लॉन्ग पोर्शन है उसमें हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा लिया। अब देखिए हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, जैसे मैं आपको बता रही थी वैसे ही डालना है आपको। देखिए इस तरीके से करेंगे, और जो पहली चैन है इसमें हम डालेंगे। डालने के बाद इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से बन जाएगा। अब फिर हम कपड़े को इस तरीके से कर लेंगे। अब दूसरी वाली चैन में डालेंगे, और दूसरी वाली चैन में डालकर इसको भी सेम इसी तरीके से निकालना है। तो पहली रो है वो थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, बट बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, क्योंकि पहली रो क्या होती है फंदे थोड़े टाइट होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सेकंड रो और उसके बाद की रो बिल्कुल सिंपल हो जाती है। देखिए फिर से हम इस तरीके से करेंगे, और तीसरी वाली चैन में डालेंगे। ये इस तरीके से इसमें डालेंगे, और सेम इसी तरीके से निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से ही डालना है, सिंपल है। जितनी भी आपको चैन दिखेंगी हर चैन में इसी तरीके से डालना है, तो हमारी पहली रो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से डालकर खींच लेंगे हम। ठीक है, अब इसके पास वाली चैन में भी सेम इसी तरीके से डालेंगे। देखिए इस तरीके से डालेंगे, कपड़े को पहले इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे। ठीक है,
देखिए, तो पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में डालते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। करने के बाद सेकंड रो कैसे बनानी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, देखिए हमने पहली रो कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो में देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को और इसके अंदर हम डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डालते हुए इसको खींच लेंगे हम। देखिए इसके पास वाली चेन में डालेंगे सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने बनाया था, सेम वैसे ही बनाना है। फिर इसको हम खींच लेंगे। देखिए फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे हम, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। तो सिंपल है, अब इसके बाद हमें सेम ऐसे ही करते हुए बनाना है। देखिए इस तरीके से डालेंगे और इसको खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे, कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और डालते जाएंगे। तो अभी मैं सेकंड रो है। देखिए इतना हो गया है, इसी तरीके से हम आगे भी बनाएंगे और तीसरी रो भी ऐसी ही बनाएंगे। इसके बाद जितनी भी रो बनेंगी सारी रो हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तरीके से बनाते हुए जब आपका ये वाला कपड़ा फिनिश हो जाए तो दूसरी पट्टी इसको ज्वाइंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए उसमें हम गांठ नहीं लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे। ठीक है, या तो आप सिलाई मशीन से लगा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल हाथ वाले हाथ से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप सेम ऐसे ही करें। देखिए अब हम अपनी तीसरी रो पर आ गए हैं। तीसरी रो में सेम हमें रिपीट करना है। देखिए कपड़े को इस तरीके से करेंगे और इसमें हम फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे इस तरीके से और इसको हम निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से निकालेंगे। इसके पास वाली चेन में भी सेम इसी तरीके से डालना है, सिंपल है। इसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। जब आप फर्स्ट और सेकंड रो बना लेंगे फिर आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से डालनी है पिन को और निकालते जाना है। इसी तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। आप देखिए इसी तरीके से पुराने कपड़ों से पूरी दरी बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इस समय आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं। तो इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। जब आप थोड़ा सा बना लेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। जो भी आपको चेन दिखेंगे उस चेन आपको चेन दिखेंगे हर चेन में डालते हुए बनाना है। इसको हम पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। और हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। देखिए पूरा डोरमेट बन गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और बहुत जल्दी बन जाता है। इस वीडियो के लास्ट में थोड़े फ़ोटो डाल दिए हैं जो कि हम डोरमेट अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब के सामने जो रेड कलर में ऑल बने हैं आप उसको जब टच करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। फिर वीडियो में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पुरानी टी शर्ट से ये वाला डोरमेट बनाया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था काफ़ी सारे लोगों को। अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जरूर चेकआउट करें। इस तरीके से पूरा बनकर आया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको भी आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। पुरानी टी शर्ट से इसको हमने कंप्लीट किया है और ये वाला जो डोरमेट आप देख रहे हैं इसको हमने नए वाले चैनल पर डाला है, पुरानी कतरन से बनाया, बहुत प्यारा लगता है। इसको भी आप बना सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक डोरमेट इस तरीके से हमने बनाया है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। इसको भी काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर चेकआउट करें। इसके बाद वाला डोरमेट भी हमने पुराने स्वेटर की ऊन से बनाया है। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें। बाय।